गाइस अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूइंग ग्रेट एंड होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज मैंने किया है ये वाला एक एंगेजमेंट मेकअप लुक, और इसके अंदर मैंने आपको ये वाला जो बन मैंने इस मेकअप के साथ कैरी किया हुआ है ये भी सिखाया है। सो यस, अगर आपको देखना है कि कैसे मैंने ये वाली मेकअप लुक क्रिएट की है और किस तरह से मैंने ये हेयर स्टाइल बनाया है, कीप ऑन वॉचिंग और जो से अंत तक पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये फुली ग्लैम लुक आप एंगेजमेंट पे कैरी कर सकते हैं। और आप वैसे भी नॉर्मल रूटीन में अगर आप किसी शादी वादी पे जा रहे हैं तो भी आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं। सो यस, बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बताइएगा कि नेक्स्ट मेकअप लुक आपको कौन सी चाहिए। और यस, होप यू गाइज लाइक इट। हेलो जी, तो इस टाइम मैं बैठी हूँ बिल्कुल विदाउट एनी मेकअप, बेयर फेस। और सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से बाइंड कर लेंगे, और इसके बाद मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ये वाला सीरम। ये एक वाटर बेस्ड सीरम है तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये रेकमेंडेड है, और इंस्टाग्राम पे पेज है केयर इम्यूनिटी के नाम से, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ टी वी पॉलर कॉस्मेटिक्स का ये वाला प्राइमर, और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैं एक पंप ले रही हूँ और मैं अपनी टी जोन पे फोकस करूँगी, क्योंकि टी जोन पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे लोगों को पोर्स का इशू होता है। उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं ये वाली फाउंडेशन, एंड इट्स इन शेड 102। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मैंने दो पंप लिए थे, और लिटरली अगर आप ब्राइड हैं तो दो पंप आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हैं। और यहाँ पे मैं अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले लें, आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यही करती हूँ कि पहले मैं ब्रश के साथ ब्लेंड करती हूँ। और आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, इसकी अच्छी खासी कवरेज है, और अपने नेक को बिल्कुल नहीं भूलना। और इसी फाउंडेशन के साथ मैं अपनी आईलिड्स को भी प्राइम कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपनी फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से सेटल डाउन कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये टी वी पॉलर कॉस्मेटिक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर, इट्स इन शेड 01। फेस पे जहाँ जहाँ आपको क्रीजिंग होती है, जैसे ये स्माइल लाइंस पे, अंडर आइज़ पे, वहाँ वहाँ मैं इसको पैक कर दूँगी, और फिर मैं एक फ्लफ़ी ब्रश लेके पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर दूँगी ताकि ज़्यादा केकी लुक ना आए। मेरा मुंह इसके बाद बिल्कुल चिट्टा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज़ किया ये मास्टर स्कल्प्ट मेबेलिन का ये कॉन्टोर पाउडर। और कॉन्टोर अगर आप कर रहे हैं तो कॉन्टोर को ब्लेंड अच्छे से करें, हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला ब्लश ऑन, ये है शेड 01 में। इसके अंदर भी छोटे छोटे चंक्स है ग्लिटर की, और आपको ये बहुत ही ग्लोई सी फिनिश देता है। और उसके बाद आते हैं जी हम आइज़ के लिए, हम सेम ब्रांड का ये आई शेडो पैलेट यूज़ करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लिटर्स हैं लेकिन तीन ही मैट्स हैं। आइज़ के लिए सबसे पहले क्रीज़ बनाएंगे हम इस ब्राउन शेड से, उसके बाद सेकेंडली इस पीची पिंक शेड से आउटराइज को डिफाइन करेंगे, उसके बाद थर्ड पे हम लिड पे ये वाला शिमर लगाएंगे, और उसके बाद लास्टली हम अपने इनर कॉर्नर को इस ग्लिटरी शेड से डिफ़ाइन करेंगे। मैं अपनी क्रीज बना रही हूँ लाइट ब्राउन शेड से, उसके बाद मैं आउटर एज को डिफ़ाइन कर रही हूँ दूसरे शेड से, उसके बाद मैं ये वाला ग्लिटर अप्लाई कर दूँगी लिड पे, और फिर उसके बाद मैं अपनी आई के इनर कॉर्नर पे ये वाला ग्लिटरी शेड लगा दूँगी। दूसरी आँख के साथ भी सेम डिटो हमने वही करना है, ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर को डिफ़ाइन कर रही हूँ, और लोअर लैश लाइन के लिए भी मैंने वही शेड्स, सेम वही शेड जो ऊपर लगाए हैं वही नीचे लगा दिए। आईब्राउज़ के लिए मैं इसी आई शेडो पैलेट से ये वाला ब्राउन शेड उठा रही हूँ, और अपनी आईब्राउज़ को मैं फिल कर लूँगी। उसके बाद हम अपनी आईब्राउज़ को ब्रश कर लेते हैं ताकि पाउडर अच्छे से आपकी आईब्राउज़ में फिल हो जाए, और फिर आईब्राउ जो बोन है उसको मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये वाली लैशेज, और जिस जिसको आई लैशेज अप्लाई नहीं करनी आती, तो सच में यार मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अपने आप पे ट्राई करें, और टेंशन नहीं लेनी, आ जाएंगी, कोई बड़ा मसला नहीं है ये। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला हाइलाइटर, इसको आप ब्रॉन्जिंग के लिए, हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं दो शेड मिक्स करूँगी, और आप देख सकते हैं कितना ये मुझे एक नेचुरल सा ग्लो दे रहा है। जहाँ जहाँ आपने हाइलाइटर लगाना है आप लगा लें, फॉरहेड पे भी अच्छा लगता है लगाओ। लिपस्टिक के लिए यूज़ करेंगे हम ये दो बहुत ही प्यारे से पिंक शेड्स। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी ये फॉर एवर मैट लिपस्टिक फ्रॉम RK, इट्स इन शेड 03 एंजल विंग्स। और उसके बाद इसको एक ग्लॉसी फिनिश देने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला ग्लॉस फ्रॉम ऑस्कर्स ब्यूटी,
और इसका शेड 2 है इन वार्म पिंक। उसके बाद आते हैं जी हम हेयर स्टाइल की तरफ। मैंने अपने बालों को ऑलरेडी एक बन में बांध लिया था ताकि अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे एक साइड पार्टीशन कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रंट की पार्टीशन आपने इस तरह करनी है। कान के सामने से आपने बाल निकालने हैं और पीछे वाले बालों को कोई भी क्लिप लेके आपने सिक्योर कर देना है। और उसके बाद आपने थोड़े से बाल सामने से उठाने हैं और उनको पकड़ के आपने उनकी थोड़ी सी हल्की से बिल्कुल बैक कॉम्बिंग करनी है। कोई स्प्रे कुछ नहीं करना और दोनों साइड से हम इसी तरह करेंगे। उसके बाद आपने जिन बालों की बैक कॉम्बिंग की है उनको आपने ट्विस्ट करना है और सामने से थोड़े थोड़े बाल लेके आपने उस ट्विस्ट के साथ बैक साइड पे बालों को लेते जाना है। अगर सामने से आपने कोई लटचट निकालनी है तो निकाल लें, वरना अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी साइड से भी हम वही सेम प्रोसीजर कर रहे हैं और उसके बाद हम इनको सिक्योर कर देंगे बैक साइड पे बॉबी पिंस के साथ। उसके बाद मैं एक पोनी ले रही हूँ और जो ट्विस्टेड स्टैंड मैं पीछे की तरफ लेके गई थी उनको मैं पोनी के साथ सिक्योर कर दूंगी। और बाकी बालों की बनानी है आपने एक सिंपल चुटिया, एक वो चुटिया होती है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और एक वो होती है जो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये मैं इनवर्ड डायरेक्शन में चुटिया बना रही हूँ और लूज़ सी चुटिया बनानी है आपने। और लूज़ चुटिया बनाने के बाद आपने थोड़े थोड़े बाल इसमें से निकालते जाना है तो ये थोड़ी सी और वॉल्यूमिनस और थोड़ी और फ्लफी हो जाएगी। उसके बाद मैं इस चुटिया को क्या करूँगी, रोल करूँगी अपवर्ड डायरेक्शन में और जहाँ पर मैंने पहले पोनी बनाई थी उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी ताकि नीचे की तरफ को हमारा जूड़ा नहीं आए। और उसके बाद मैं अपने जूड़े को सिक्योर कर दूंगी जूड़ा पिंस के साथ, जितनी आपने लगानी आप लगा सकते हैं। और ऊपर से मैं इसको सिक्योर कर दूंगी एक बॉबी पिन के साथ। और फ्रंट वाले बालों को अगर आपने रोल करना है आप कर लें, अगर आपने स्ट्रेट करना है तो आप इनको स्ट्रेट कर लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाले फ्लावर्स लगाएंगे। आपके पास जो भी फ्लावर्स अवेलेबल हैं आप लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं पहन रही हूँ जी ज्वेलरी और इसी के साथ हमारी लुक होती है जी ख़त्म। आपको वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली हो इससे तो आपने वीडियो को शेयर करना है और गिव अ थम्स अप, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनकी इंगेजमेंट होने वाली है उन लोगों के साथ, ताकि वो घर पे बैठ के मतलब सैलॉन्स में इतने पैसे फजूल के ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो घर में बैठ के ईजिली आप इंगेजमेंट के लिए, अपनी इंगेजमेंट के लिए आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये जो ज्वेलरी पहनी हुई है बेसिकली ये और ये दोनों गजरे थे दोनों बाजों के, बट इसको मैंने पहन लिया और इसको मैंने अपने जूड़े में यूज़ कर लिया। और ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक डाल दूँगी कहाँ से आपको ये हैंडमेड ज्वेलरी, ये ओरिजिनल फाज नहीं है, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकिन बहुत नीट बनी हुई है। तो यस, ये आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके अलावा आई एम वेयरिंग दिस रियली प्रिटी ड्रेस फ्रॉम रघून क्लोथिंग, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं ये ऑलरेडी मैं पहन चुकी हूँ, ये मैंने इस लुक के लिए दोबारा पहना है। और ये वाली ज्वेलरी जो है ये मैंने खरीदी थी आज से 3 साल पहले स्टाइलो से, तो मेरा नहीं ख्याल ये आपको कहीं से भी अब मिलेगी। मेकअप लुक के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं उन सबका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड येस, आई होप यू लाइक द वीडियो। लिटरली इस वीडियो में इतनी मेहनत लगी है तो आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर इट। तो बस देखते रहें, प्यार करते रहें और अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स देते रहें और मुझे फीडबैक देते रहें कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन कौन सी वीडियोज़ या किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। Yes guys, thank you so much for watching. Bye.